हेलो नीटिस पेरेंट्स, वेलकम टू EM Pedagogics. आई अनु मलिक इज हेयर टू ट्रांसफॉर्म यू ड्यूरिंग योर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस. आज मैं आपके लिए प्लांट फिजियोलॉजी से कुछ इम्पॉर्टेंट साइकिल्स लेके आ रही हूँ. लेट्स स्टार्ट. सबसे इम्पॉर्टेंट साइकिल है क्रेब्स साइकिल. तो क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं. A series of enzyme catalyzed reactions occur in mitochondrial matrix, जहाँ पे acetyl coenzyme A is oxidized to form carbon dioxide and coenzymes are reduced और generate करते हैं ATP in the electron transport chain. So Krebs cycle was named after Hans Krebs. उन्हें Nobel Prize Award भी मिला था in 1953 for his contributions. क्रेब्स साइकिल एक सीरीज है 8 स्टेप प्रोसेसेस का, जिसमें एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इस प्रोसेस में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो रिड्यूस्ड हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं NADH एंड FADH2 प्रोड्यूस होते हैं. Two molecules of acetyl coenzyme A are produced from each glucose molecule, so two turns of Krebs cycles are required. जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, 6 NADH मिलते हैं, 2 FADH2 और 2 molecules of ATP मिलते हैं. इसके 8 steps को हम thoroughly discuss करेंगे. उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये किस तरह का रिएक्शन होता है और कहाँ अक्कर करता है. तो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है सेल्स में. ये एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होते हैं टू रिलीज एनर्जी विच गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड. ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ एन एरोबिक रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन है वो 4 स्टेज प्रोसेस है और इस प्रोसेस में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिड्यूस होती है वाटर में. एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. 36 to 38 ATPs आर फॉर्म्ड फ्रॉम ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो ये 4 स्टेजेस क्या हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लाइकोलिसिस. सो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट और ये प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोसोल में. सेकेंड स्टेज होती है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. ग्लाइकोलिसिस से पाइरूवेट बनता है तो वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऐड होता है और इट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द पाइरूवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम. थर्ड स्टेज होती है क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल. तो ये एक कॉमन पाथवे है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एज दे आर मेटाबोलाइज टू एसिटाइल कोएंजाइम ए या फिर कुछ और इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं ड्यूरिंग साइकिल. द एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस एंटर्स द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल. ग्लूकोज फुल्ली ऑक्सीडाइज हो जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस और एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइंस विद 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटेट टू फॉर्म 6 कार्बन सिट्रेट. इस प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड एंड ऑक्सैलो एसिटेट इज रिसाइकल्ड. तो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? ATP में. और अदर हाई एनर्जी कंपाउंड्स कौन से होते हैं? NADH एंड FADH2. अब फोर्थ स्टेज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. तो ATP जो जनरेट होता है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स लाइक NADH एंड FADH2 प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बाय अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. तो ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू वाटर, इट टेक्स प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये 4 स्टेजेस थी सेलुलर रेस्पिरेशन की. अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की. तो इस प्रोसेस के 8 स्टेप्स होते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं और एरोबिक कंडीशंस में होते हैं, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इन द फर्स्ट स्टेप कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए विद 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटेट टू फॉर्म 6 कार्बन सिट्रेट. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सैलो एसिटेट कोएंजाइम ए एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जब रिएक्शन हुआ तो सिट्रेट इज फॉर्म्ड. 6 कार्बन सिट्रेट इज रिलीज्ड एंड कोएंजाइम ए इज फॉर्म्ड एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं सिट्रेट सिंथेसिस. आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप में. सिट्रेट इज कन्वर्टेड टू इट्स आइसोमर आइसोसिट्रेट. द एंजाइम ए कॉनिटेज कैटलाइजेज द रिएक्शन. थर्ड स्टेप में आइसोसिट्रेट अंडरगोज डीहाइड्रोजनेशन एंड डीकार्बोजाइलेशन टू फॉर्म 5 कार्बन अल्फा कीटो ग्लूटारेट और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिलीज हो जाती है. आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज कैटालाइजेस द रिएक्शन. इट इज एन NAD+ डिपेंडेंट एंजाइम. NAD+ इज कन्वर्टेड टू NADH. फोर्थ स्टेप में अल्फा कीटो ग्लूटारेट undergoes oxidative decarboxylation to form succinyl coenzyme A, a 4-carbon compound. The reaction is catalyzed by the alpha-ketoglutarate dehydrogenase enzyme complex. So, one molecule of carbon dioxide release hota hai aur NAD+ is converted to NADH. Next step hota hai succinyl coenzyme A forms succinate. The enzyme succinyl coenzyme A synthetase catalyzes the reaction. This is coupled with substrate level phosphorylation of GTP to get GTP. So you may see here GTP to GTP. अब इसमें क्या होता है? GTP transfers its phosphate to ATP. तो वो अपना phosphate triphosphate है, तो वो अपना phosphate ADP को दे देता है और वो बन जाता है ATP. Succinate is oxidized by the enzyme succinate dehydrogenase to fumarate. You may see here. In the process, FAD is converted to FADH2. यहाँ पे आप देख सकते हो FAD is converted to FADH2. Next step, seventh step is fumarate gets converted to malate by the addition of one water molecule. The enzyme catalyzing this reaction is fumarate. Step 8 mein kya hota hai? Malate is dehydrogenated to form oxaloacetate which combines with another molecule of acetyl coenzyme A and starts the new cycle again. So hydrogens removed get transferred to NAD+ forming NADH. तो मैलेट डिहाइड्रोजनेज कैटलाइजेस द रिएक्शन. तो इस पूरे साइकिल में एक तो आपने ये 8 स्टेप्स को याद रखना है, इनके नाम सिट्रेट आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट देन सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट फ्यूमारेट मैलेट ऑक्सैलोएसीटेट. तो इनको सीरीज में याद रखना है. उसके अलावा जो सिंथेसाइज करते हैं उनको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी. क्रेब्स साइकिल इज कॉल्ड एज एम्फीबॉलिक पाथवे. तो एम्फीबॉलिक पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों प्रोसेसेस होती हैं मेटाबॉलिज्म की, इसमें कैटाबॉलिज्म एज वेल एज एनाबॉलिज्म. क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहा जाता है? बिकॉज फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द साइकिल इज सिट्रिक एसिड. नाउ लेट्स मूव टू next process, that is glycolysis pathway. Let's start with the definition of glycolysis. Glycolysis ek aisi process hai jisme glucose breakdown hota hai to produce energy. It produces two molecules of pyruvate, ATP, NADH and water. The process takes place in cytosol of the cell cytoplasm. Ye oxygen ki presence mein bhi ho sakta hai या फिर एब्सेंस में भी हो सकता है. सो ग्लाइकोलिसिस इज द प्राइमरी स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो सेल्स टेक स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एटीपी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. दिस मेटाबॉलिक पाथवे वाज डिस्कवर्ड बाय 3 जर्मन बायोकेमिस्ट एम्डेन मेयरहॉफ पार्नस. तो उनका इनिशियल लेटर EMP पाथवे से भी ये जाना जाता है. फर्स्ट स्टेप इज
A phosphate group is added to glucose in the cell cytoplasm by the action of enzyme hexokinase. Glucose gives rise to glucose 6-phosphate. So, second step mein kya hota hai? Glucose 6-phosphate is isomerized into fructose 6-phosphate by the enzyme phosphoglucomutase. Third step mein kya hota hai? The other ATP molecule transfers a phosphate group to fructose 6-phosphate and converts it into fructose 1,6-biphosphate by the action of enzyme phosphofructokinase. Fourth step mein kya hota hai? The enzyme aldolase converts fructose 1,6-biphosphate into glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. Dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. These two are isomers of each other. So, enzyme yahan pe kaun sa use ho raha hai? Aldolase. Triose phosphate isomerase converts dihydroxyacetone phosphate into glyceraldehyde 3-phosphate, which is the substrate in the successive steps of glycolysis. Ab sixth step mein kya hota hai? It undergoes two reactions. The enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase transfers one hydrogen molecule from glyceraldehyde phosphate to nicotinamide adenine dinucleotide to form NADH plus hydrogen ion. Or glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase adds a phosphate to the oxidized glyceraldehyde phosphate to form 1,3-bisphosphoglycerate. Next step mein phosphate is transferred from 1,3-biphosphoglycerate to ADP to form ATP with the help of phosphoglycerokinase. Two molecules of phosphoglycerate and ATP are obtained at the end of this reaction. Next step mein, the phosphate of both the phosphoglycerate molecules is relocated from the third to the second carbon. Kya paane ke liye? Two molecules of 2-phosphoglycerate by the enzyme phosphoglyceromutase. The enzyme enolase removes a water molecule from 2-phosphoglycerate to form phosphoenol pyruvate. Or last step mein kya hota hai ki a phosphate from phosphoenol pyruvate is transferred to ADP to form pyruvate and ATP by the action of pyruvate kinase. So two molecules of pyruvate and ATP are produced as the end products. Key points of glycolysis kya hai? Ki ye ek aisi process hai jisme glucose molecule is broken down into two molecules of pyruvate. To glucose se start hui thi process, end mein two pyruvate molecules end product mile. Process takes place in the cytoplasm of plant and animal cells. Six enzymes are involved in the process. End product of the reaction includes two pyruvate molecules, 2 ATP and 2 NADH molecules. यहाँ पे मैंने एक molecular structure glycolysis process का भी दिया है, you may see here. Next one is Kelvin cycle. Photosynthesis is the biochemical process. कहाँ पे ये process होती है? All green plants और autotrophs produce होते हैं organic molecules from carbon dioxide. टू स्टेजेस होती हैं फोटोसिंथेसिस की, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में जैसे कि नाम ही बता रहा है कि लाइट की ज़रूरत होती है, तो ये डे टाइम होते हैं. और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस जो होते हैं वो डार्क रिएक्शंस कहलाते हैं, या केल्विन साइकिल और C3 साइकिल जाने जाते हैं. ये रिएक्शन प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ सनलाइट में होती है. केल्विन साइकिल या C3 साइकिल को डिफाइन किया जाता है एज अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म्ड बाय द प्लांट्स टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर कंपाउंड्स इनटू ग्लूकोज. जैसे मैंने पहले बताया, केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहा जाता है, या फिर लाइट इंडिपेंडेंट और डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है. It is most active during day when NADPH and ATP are abundant. जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हो कि केल्विन साइकिल की 3 स्टेजेस शोन हैं. तो फर्स्ट वन इज कार्बन फिक्सेशन,
सेकेंड इज रिडक्शन एंड थर्ड इज रीजनरेशन। तो हम इन तीन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज कार्बन फिक्सेशन। केल्विन साइकिल एक ऐसा इवेंट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स टू RUBP टू फॉर्म 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट। तो एंजाइम जो यूज होता है जो कि इस रिएक्शन को कैरी करता है, दैट इज राइबुलोज बाईफॉस्फेट। ये एंजाइम बहुत ही स्लोली वर्क करता है, प्रोसेसिंग ओनली अबाउट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUBP पर सेकेंड। अ टिपिकल एंजाइम प्रोसेस ऑफ अबाउट 1000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन। सो सेकेंड स्टेज केल्विन साइकिल की ये होती है। इसमें 3 PGA मॉलिक्यूल्स क्रिएटेड थ्रू कार्बन फिक्सेशन आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंपल शुगर ग्लूकोज। तो ये स्टेज में ATP और NADPH फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस तरह से केल्विन साइकिल एक ऐसा पाथवे है जिसमें प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू लॉन्ग टर्म स्टोरेज मॉलिक्यूल सच एज शुगर्स। तो एनर्जी फ्रॉम द ATP एंड NADPH इज ट्रांसफर टू द शुगर्स। लास्ट स्टेप इज रीजनरेशन। केल्विन साइकिल की इस थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये एक पूरी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसे ATP की ज़रूरत होती है। तो इस स्टेज में सम ऑफ द G3P मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ग्लूकोज व्हाइल अदर्स आर रिसाइकल्ड टू रीजनरेट द RUBP एक्सेप्टर। केल्विन साइकिल के क्या प्रोडक्ट्स हुए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एट ईच टर्न ऑफ द केल्विन साइकिल। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज क्रिएटेड इन 3 turns of the Kelvin cycle. 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate combine together to form 1 glucose molecule. 3 ATP and 2 NADPH molecules are used during the reduction of 3 phosphoglyceric acid to glyceraldehyde 3 phosphate and in the regeneration of RUBP. और 18 ATP or 12 NADPH are consumed in the production of 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ रही हूँ फ्लो चार्ट्स के ऊपर।